हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, जेनरिक ड्रग्स फॉर फोर रेयर डिजीजेस मेड अवेलेबल इन इंडिया। तो जेनरिक ड्रग्स क्या है, फोर रेयर डिजीजेस कौन से और इनको इंडिया में अवेलेबल किया गया, तो चलिए देखते हैं। प्रोवाइडिंग रिलीफ टू पेशेंट्स विथ रेयर डिजीजेस अक्रॉस इंडिया, द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज मेड अवेलेबल जेनरिक ड्रग्स टू सपोर्ट द केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ फोर एलिमेंट्स: ट्रायोसिनेमिया टाइप 1, गॉशर्स डिजीज, विल्सन्स डिजीज एंड ड्रावेट लेनॉक्स गैस्टॉट सिंड्रोम। भाई देखो, मैं बायो का स्टूडेंट नहीं हूँ तो इसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ, ना ही मैं इंग्लिश का स्टूडेंट हूँ, सो आई एम वेरी वेरी सॉरी। दिस मीन दैट द कॉस्ट ऑफ दिस डिजीज विल बी स्लैश्ड बाय बिटवीन 60 to 100 times ऑफ देयर करेंट मार्केट वैल्यू। तो इतने गिर जाएंगे, मतलब पहले अगर कोई 100 रुपये का मिल रहा है ना, तो 1 रुपये का मिलेगा। सिंपल बात यही है। द मिनिस्ट्री इज ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अवेलेबल ड्रग्स फॉर मोर रेयर डिजीजेस इंक्लूडिंग फिनाइल किटोनोरिया एंड, नहीं 100 रुपये का नहीं, 100 times, तो 1000 रुपये का। अगर कोई 1000 रुपीज़ का है तो वो 10 रुपये का मिलेगा, सिंपल सी बात ये है। हाँ ये करो। ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स द अप्रूवल ऑफ दिस ड्रग्स आर अवेटेड, सेड वीके पॉल, नीति आयोग मेंबर्स विद एक्सपर्टीज ऑन हेल्थ इश्यू। ही एडेड दैट द इनिशिएटिव वुड ऑल्सो रिजल्ट इन पेशेंट्स कॉस्ट ड्रॉपिंग फ्रॉम द क्रोर्स टू मियर लैक्स। ठीक है, क्रोर्स में चल रहा था, लैक्स में आ जाएंगे। अ रेयर डिजीज इज अ हेल्थ कंडीशन, अब सुनो ये इंपॉर्टेंट है। रेयर डिजीज इज अ हेल्थ कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलरली लो प्रेवलेंस दैट अफेक्ट्स अ स्मॉलर नंबर ऑफ पीपल। इट कलेक्टिवली अफ्लिक्ट 6% to 8% ऑफ द पॉपुलेशन इन एनी कंट्री एट एनी गिवन टाइम। सो इंडिया कुड हैव 8.4 करोड़ to 10 करोड़ सच केसेस, सेड द मिनिस्ट्री, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन ज़्यादा है। नियरली 80% ऑफ डिजीज आर जेनेटिक्स इन नेचर, तो मतलब पेरेंट्स से जो आती है, जेनेटिक्स है नेचर में, जेनेटिक्स इन नेचर। टू ब्रिंग इन दिस ड्रग्स स्पेशल इनिशिएटिव वॉज टेकन एंड डिस्कशंस वर हेल्ड विथ अकेडमिया, फार्मा इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशंस, द ड्रग कंट्रोलर एंड द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। 13 रेयर डिजीज वर प्रायोरिटाइज। वी पर्टिकुलरली वर्क ऑन सिकल सेल डिजीज एंड ऑन द सिरप ऑफ चिल्ड्रेन अंडर 5 हु कांट बी एडमिनिस्टर्ड टेबलेट्स। ठीक है, दिस वेंचर इज प्योरली अ नॉन कमर्शियल वेंचर गाइडेड ओनली विद द मोटिव टू सर्व दोज इन एक्यूट नीड। फॉर ईयर्स हेल्थ मिनिस्ट्री थॉट वेरियस स्कीम्स हैज बीन ट्राइंग टू फाइनेंशियल हेल्प एज मेनी पेशेंट्स एज पॉसिबल, बट दिस इज मोर सस्टेनेबल मेजर। ठीक है, समझ गया। अब देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुनो, क्या होता है, आर्टिकल तो आते जाते रहते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रेयर डिजीज क्या होती है। ठीक है, जेनरिक ड्रग्स क्या है, सेकंड ये फोर डिजीज कौन से है, वो ये रहे आपके यहाँ पर दिया हुआ है आपके फोर डिजीजेस को। ठीक है, थर्ड आप देखिए रेयर डिजीजेस क्या है। सिंपल सा ये बताया गया है, रेयर डिजीजेस में इज अ कंडीशन ऑफ पर्टिकुलरली लो प्रेवलेंस दैट अफेक्ट स्मॉलर नंबर ऑफ पीपल। लो प्रेवलेंस दैट अफेक्ट्स स्मॉल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, कितना, 8% to 10%। कैसे होता है, जेनेटिक्स हो, जेनेटिक्स है ये, मेनली एक्वायर्ड फ्रॉम जेनेटिक्स, पेरेंट्स से ये बीमारी बच्चों को मिलती है। उसके बाद से इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए 8 to 10 करोड़ पीपल इसके चपेट में होंगे ऐसे डिजीजेस के। ठीक है, ये तीन चार चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये जेनेरिक ड्रग्स लाने से क्या होगा, इसका प्राइस जो होगा 60 to 100 times, 60 to 100 times इसका प्राइस जो है नीचे आ जाएगा। ठीक है,
और आप देखिए ये सारे स्टेक होल्डर से मिलके बात की थी गवर्नमेंट ने, और एक सिकल सेल यहाँ पे जो हमने देखा इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर अभी आज ही इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छा आर्टिकल आया, मैं उसको भी कवर करूँगा, तो ये देखने के लिए उस आर्टिकल को आप वीडियो को देखिएगा। बस इतना ही था इस आर्टिकल में। थैंक यू गाइज, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।